Assalamu alaikum students, I hope you are all fine and enjoying good health, and I also hope that you're doing your work very well. 5th class, I am your science teacher Saman. Today we are going to start a new chapter, unit number 3 for Revian, a healthy body. Topics of Revian are stay healthy to bacteria. So let's start from to stay healthy. Our body is a wonderful machine. इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स. हमारी बॉडी जो है वो एक मशीन है जो बहुत से छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी हुई है. स्टूडेंट्स, आपने अगर इम्पॉर्टेंट लाइन्स अंडरलाइन नहीं की हुई तो काइंडली इस वीडियो की तरफ देख के आप अपने बुक पे अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आप इनको याद कर सकें. ठीक है, ईच पार्ट्स हैज़ अ स्पेशल जॉब. हर पार्ट का एक ख़ास काम होता है. ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क टूगेदर. तमाम बॉडी पार्ट जो है वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं. सो दैट फंक्शंस प्रॉपरली, बॉडी जो है वो प्रॉपरली काम कर सकती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर आर बॉडी. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी का ख्याल रखें. टू स्टे हेल्दी, यू नीड फूड टू कीप अलाइव एंड स्टे हेल्दी. आपको खुराक की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड टू ईट फूड दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन. ग्रोइंग चिल्ड्रन यानी बढ़ते हुए बच्चों को ऐसी खुराक की ज़रूरत होती है जिसमें प्रोटीन्स की मिकदार ज़्यादा होती है. प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे मसल्स, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रहते हैं. ये बॉडी बिल्डिंग होते हैं, यानी कि हमारे सेल्स की बिल्ड करते हैं, उन बॉडी को बिल्ड करते हैं, ग्रो होने में, बढ़ने में, तेज़ी से बढ़ने में हेल्प करते हैं. ठीक है, प्रोटीन्स आर फाउंड इन मिल्क, मीट, एग्स, फिश एंड बीन्स. प्रोटीन कौन कौन सी चीज़ों में मौजूद होता है? मीट, मिल्क, एग्स, फिश एंड बीन्स. फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर आल्सो वेरी बेनिफिशियल. ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां भी बहुत ज़रूरी हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद है. यू शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल. आपको डेली खुराक जो है वो लेनी चाहिए. एंड शुड नॉट स्टे हंग्री, और भूखा नहीं रहना चाहिए. फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक. ठीक है, यू मस्ट ईट बैलेंस डाइट सो डैट योर बॉडी विल ग्रो प्रॉपरली. आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी तमाम चीज़ों की मिकदार इक्वल रखनी चाहिए. ना ज़्यादा खाना चाहिए जिसकी वजह से आप बीमार हो जाएं, ना ही कम खाना चाहिए जिससे आप वीकनेस हो जाए आपकी बॉडी में. ठीक है, इसलिए बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली ग्रो कर सके. अमेजिंग फैक्ट है, देयर इज़ एज सच प्रोटीन इन पीनट्स एज इन मीट. पीनट में ज़्यादा प्रोटीन होते हैं मीट की निस्बत. सोयाबीन्स कंटेन मोर प्रोटीन दैन ईदर ऑफ दीज. सोयाबीन्स में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं. ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स या MCQs में पूछा जा सकता है. उसके बाद है, यू मस्ट एक्सरसाइज डेली. आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए. टू कीप ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन गुड वर्किंग, ताकि आपके तमाम बॉडी पार्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकें, वर्क वो प्रॉपरली कर सकें. ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज कीप योर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट. रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी और फिट होगी. इट कीप्स योर मसल्स एंड ज्वाइंट हेल्दी. या आपके मसल्स को, आपके ज्वाइंट्स को हेल्दी रखेगी, स्ट्रॉन्ग रखेगी. इट मेक्स द ब्लड रीच एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. एक्सरसाइज करने से ब्लड आपके तमाम बॉडी पार्ट्स तक पहुँच सकता है. ठीक है, एक्सरसाइज हेल्प योर बॉडी यूज अप ऑफ द फूड डैट यू ईट. एक्सरसाइज उसमें भी हेल्प करती है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में यूज हो, इसलिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. ठीक है, उसके बाद है, सो इट स्टॉप्स यू फ्रॉम बिकमिंग फैट. तो ये आपको मोटा होने से भी बचाती है. साइकिलिंग, स्किपिंग, वॉकिंग एंड स्विमिंग आर सम ऑफ द बेस्ट वेज टू एक्सरसाइज. साइकिलिंग करना, स्किपिंग, वॉकिंग एंड स्विमिंग जो हैं वो एक्सरसाइज के बेहतरीन तरीके हैं. ठीक है, वॉकिंग इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ एक्सरसाइज. नेक्स्ट है, यू मस्ट कीप योर बॉडी क्लीन. आपको अपनी बॉडी को भी क्लीन करना चाहिए, रखना चाहिए. ठीक है, वॉशिंग एंड बाथिंग कीप योर बॉडी फ्री फ्रॉम डर्ट. आपने हैंड वॉश करना, डेली नहाना आपको
जरासीम से दूर रखता है, गंदगी से दूर रखता है आपकी बॉडी को. इट आल्सो स्टॉप फ्रॉम यू फ्रॉम गेटिंग स्किन डिसीज, और ये आपको जिल्द की बीमारियों से भी बचा के रखता है. अगर आप साफ सुथरे रहेंगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी. नेक्स्ट है योर हाउस शुड नॉट बी डर्टी, आपका घर गंदा नहीं होना चाहिए. द बाथरूम एंड किचन शुड बी पर्टिकुलरली क्लीन, और आपका वॉशरूम और किचन जो है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए. हाउस होल्ड रबिश शुड बी कैप्ट इन अ कवर्ड बिन, हाउस होल्ड जो घर का कूड़ा होता है, कूड़ा करकट जो होता है, वो भी एक ऐसी बिन में रखें जो ऊपर से कवर्ड हो, ताकि जरासीम जो है वो घर में ना फैलें. द ड्रेन्स अराउंड योर हाउस शुड बी आल्सो बी कवर्ड, डर्टी वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैंड इन पूल्स एंड पडल्स अराउंड योर हाउस और इन द स्ट्रीट. ठीक है, और पानी भी जमा नहीं रखना अपने घरों में या स्ट्रीट्स में भी. अगर आपकी गली में पानी जमा है वो भी, उससे भी जरासीम जो फैलते हैं जिससे बीमारियाँ पैदा होती हैं. नेक्स्ट है रेस्ट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू गेट बैक द एनर्जी डैट यू हैव यूज्ड अप. रेस्ट करना भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप रेस्ट करेंगे तो आपने जो एनर्जी वेस्ट की होगी वो जो है वो आपको बैक हो जाएगी, वो आपको दोबारा मिल जाएगी अगर आप रेस्ट करेंगे प्रॉपर. उसके बाद है हाउ डू यू बिकम इल, हम बीमार कैसे होते हैं. फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आर इन्वायरमेंट इज़ फुल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारा माहौल जो है वो जानदारों से भरा हुआ है. सम ऑफ देम कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, कुछ ऐसे हैं जिनको हम अपनी आंख से, सादा आंख से नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी ऐसे आले की ज़रूरत होती है जिसे हम इनको देख सकें. दिस मिनट एंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग. माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जानदार. ठीक है, उसके बाद है दीज ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल फॉर अस. ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटे होते हैं. टू सी, देखने में, बट आर प्रेजेंट एवरीवेयर, लेकिन वो हर तरफ मौजूद होते हैं. इन द एयर, इन वाटर, इन सॉइल, इन आर बॉडी एंड ऑन द सर्फेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट. हवा में, पानी में, ज़मीन में, मिट्टी में, और हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आते. समटाइम्स दे प्रेजेंट इन द फूड वी ईट, बाज़ोकात जो हम खाना खा रहे होते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं. ठीक है, दे अफेक्ट आर लाइव्स इन मैनी वेज, सम आर यूज़फुल. ये हमारी लाइव्स को अफेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूज़फुल भी होते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़तरनाक होते हैं. दे मेक अस सिक, ये हमें बीमार कर देते हैं. All microorganisms that cause diseases are called germs. जो microorganisms बीमारी का सबब बनते हैं उनको germs कहते हैं. germs किनको कहते हैं students? ये question मैंने आपको करवाया हुआ है. germs किसको कहते हैं? microorganisms that cause diseases are called germs. next है types of microorganisms. there are three type of microorganisms are bacteria, virus and fungi. और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट आर द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये राइट द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आप ये राइट करेंगे थ्री टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई. ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया एक बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है विद नो प्रॉपर न्यूक्लियस, जिसका मुकम्मल न्यूक्लियस नहीं है. दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद है. दे ग्रो वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है. इन वार्म, मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस, अंधेरे में, गहरे अंधेरे में, मॉइस्ट नमी वाली जगह में, वार्म और गर्म जगह में. बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. बैक्टीरिया डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज रखता है. ठीक है, दे मे बी सर्कुलर, स्पायरल और लॉन्ग. ये सर्कुलर हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, स्पायरल शेप में हो सकता है.
Bacteria cause diseases such as cholera, typhoid, TB, and throat infection. Bacteria in the mouth cause tooth decay. Bacteria अगर हमारे मुंह में होगा तो हमारे दांतों के ख़त्म होने का खतरा है, ठीक है। उसके बाद नीचे ये शेप्स दी गई हैं बैक्टीरिया की। स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स आपको बन के आ सकते हैं। बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है, और क्या कौन कौन सी शेप्स होती हैं इनकी, और ये कहाँ कहाँ ग्रो करता है ज़्यादा, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बन के आ सकते हैं। However, certain bacteria are also useful for us. कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। फर्स्ट है, बैक्टीरिया इन आवर स्टमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। बैक्टीरिया जो होता है हमारे स्टमक में वो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। सम ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपलर वंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। अब ये भी एक क्वेश्चन का आंसर है, डिफाइन डीकम्पोजिशन। तो आप राइट करेंगे सम ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म। कुछ ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपलर होते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन कहते हैं। ऑब्जर्व अ पाइल ऑफ अ डेड लीव इन द गार्डन, देयर आर फूड टू मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया दैट फीड ऑन देम। स्लोली द रूटिंग लीव्स बिकम पार्ट ऑफ द सॉयल, देयर आर न्यूट्रिएंट्स फॉर अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर। यानी कि जो हमारा और डीकम्पोजिशन है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए। Bacteria are used to make yogurt and cheese from milk. What is the use of bacteria? Bacteria are used to make yogurt and cheese from milk. Bacteria are used to make vinegar and are also help in making pickles. Pickles का मतलब होता है अचार, vinegar का मतलब होता है सिरका। तो ये हमारे uses हो गए bacteria के। What is help of bacteria? Bacteria हमारी किस चीज़ में help करता है, digestion में help करता है। तो student, इसी पेज पे आपके तीन questions बन गए हैं, what is help of bacteria, define composition and what is the useful of bacteria, ठीक है। तो ये questions जो हैं आपने अच्छी तरह learn करने हैं, topics को अच्छे तरीके से clear करें, अपने concepts को clear करें। कोई भी problem हो तो आप मेरे से पूछ लें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे मिला है प्यार।